सुनील आनंद की पाठशाला में आपका स्वागत है। सीखते हैं कि कैसे हम WPS पर PPT बनाकर उसको हम अपने WhatsApp, Facebook या फिर पेनड्राइव में कॉपी करें। WPS को खोलेंगे और खोलने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी PPT तैयार हो गई है और PPT कॉपी करने में दिक्कत होती है, तो हम अपने PPT को शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ PDF पर दिया हुआ है और इसको हम जहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव WPS लोगो उस पर मत जाएंगे, हम बेसिक पर कर देंगे। इसको बेसिक पर टिक करने के बाद फिर स्पोर्ट पर जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी PDF में। कन्वर्ट होने के बाद में अब हम इसको WhatsApp, Facebook, ईमेल कहीं भी सेंड कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो हमें मान के चलिए कि इस समय PPT ईमेल पर भेजना है, तो हम अपने ईमेल को लॉगिन करेंगे और ये हमारा ईमेल आईडी जैसे है उसी ईमेल पर PPT हमारी सेंड हो गई। अगर इसको हम चाहें कि WhatsApp पर भेजना है तो WhatsApp के लिए भी एक प्लान देख लें। आप लोग जाएंगे बेसिक पर कर देंगे और फिर स्पोर्ट करेंगे, स्पोर्ट के बाद PPT हमारी कन्वर्ट हो जाएगी PDF में और अब हम इसको WhatsApp पर सेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम WhatsApp पर भी हम भेज सकते हैं और आप देख रहे होंगे साथियों कि ये WhatsApp पर अब आ चुकी है। थैंक यू।